राज दिसम 2 का टेलर आ गया। 2 अक्टूबर का राज एक बार फिर बाहर निकलने वाला है। इस बार अजय देवगन यानी विजय सलगांवकर की टक्कर तब्बू से नहीं अक्षय खन्ना से है। दिसम भले ही मलयालम फिल्म का रीमेक हो मगर अजय देवगन की इस फिल्म ने 2015 में जनता को जबरदस्त थ्रिल कहानी दी। फिल्म ऐसे मोड़ पर ख़त्म हुई थी जहाँ से तय था कि कहानी को अभी और आगे जाना है, इसलिए फैंस 7 सालों से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। किसी सफल फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जब एक सफल ब्रांड को आगे ले जाना होता है तब पता होता है दर्शक पहली फिल्म के पात्रों से परिचित हैं, वे अपने दिमाग में कुछ खास बात रखकर सीक्वल देखने आते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि सीक्वल के समय पात्रों को सीमित दायरे में रखना होता है। पहली फिल्म में जो करेक्टर रहा है उससे अलग नहीं जा सकते, इस दायरे में रहकर कुछ नया लिखना काफ़ी कठिन है। मगर जो भी हो, डायरेक्टर साहब ने यह कठिन काम कर दिया है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और फिल्म 18 नवंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर अलग ही दिलचस्पी है क्योंकि साल 2015 में आई फिल्म में हमने देखा कि विजय ने आईजी मीरा के बेटे की लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफन कर दिया है। वह 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की ऐसी कहानी बुनता है जिसे पुलिस की जाँच में सही मान लिया जाता है। समीर की लाश का पुलिस पता नहीं लगा पाती, लेकिन क्या आप फिल्म के सीक्वल में विजय और उसका परिवार सलाह के पीछे होंगे? क्या विजय यह कबूल कर लेगा कि समीर उसकी बेटी अंजू को ब्लैकमेल कर रहा था और उस रात आत्मरक्षा में समीर की मौत हो गई थी? सच पेड़ के बीच की तरह होता है, चाहे जितना भी चाहे दफना लो, वो एक दिन बाहर आ ही जाता है। यानी दिसम में जहाँ कहानी ख़त्म हुई थी वहीं से उसका दूसरा भाग शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक दिसम 2 में मीरा देशमुख यानी तब्बू के बेटे बने सैम के लापता होने के केस की जाँच को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसी के साथ एक बार फिर विजय सलगांवकर डर, क्राइम और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद करता दिखेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वह सच को छुपाने में कामयाब होता है या नहीं। फिर तैयार रहिए एक बार फिर से परत दर परत सच्चाई की तह तक जाने के लिए। फिल्म रिलीज होगी 18 नवंबर को। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या इस बार भी विजय बचा लेगा अपने आप को और अपने परिवार को। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।